हेलो स्टूडेंट्स, ये है आप लोग का सिलेबस जी टैक्स का। जो भी टी वाई बी कॉम स्टूडेंट्स हैं 6th सेमेस्टर, उनके लिए टैक्स ऑप्शन है। तो ये टैक्स का आप लोगों को सिलेबस है। तो सिलेबस में आप लोगों को इस बार GST आया हुआ है। 2018 में बहुत सारे चेंजेस हुए, तो ये 6th सेमेस्टर में आप लोगों को GST आया है। देन लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ये आई थिंक मैंने कवर किया है आप लोगों को। तो आप लोग मेरे टी वाई बी कॉम 6th सेमेस्टर प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा, वहाँ पे आपको मिलेंगे इसके टॉपिक्स, टाइम प्लेस एंड वैल्यू सप्लाई। तो ये जो चीज़ें दिख रही हैं आप लोग को, ये आप लोगों का सिलेबस है टैक्स स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सिलेबस एंड इसका आपको पेपर पैटर्न है। तो ये पेपर पैटर्न है, तो आप लोग देख लीजिए कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है, यह आप लोग को पता चल जाएगा। तो एक एक टॉपिक आप लोग देख सकते हैं, तो इसका आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग को चाहिए तो मैं आप लोग को PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी क्वेश्चंस के, और हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस और आंसर के ट्राई करूंगी कि आप लोग को बता पाऊँ, एक्सप्लेन करूँ एक एक टॉपिक को। लेकिन आप लोग भी खुद से ज़रूर कोशिश करिएगा, एफर्ट करिएगा, ताकि टाइम में आपका सिलेबस कवर हो जाए। डियर फ्रेंड्स, टैक्स के लिए इसमें एक PDF में मैंने सोचा आप लोग को प्रोवाइड कर दूँ GST के बारे में। GST बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आगे भी रहेगा। तो GST में कोई चेंजेस आने वाले नहीं है, तो आप लोग को इसको समझना होगा कि क्या है GST। तो इसमें डेफिनेशंस दिया है, फीचर्स, कॉन्सेप्ट, स्कोप, क्या होता है GST। तो ये है GST। GST क्या होता है पूरा एकदम डिफाइंड किया हुआ है आप लोगों को। आर्टिकल 366 में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया है, क्या प्रोवाइड किया है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है GST है उसे क्या बोलते हैं। मैंने एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहल लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इसे GST बोलते हैं। नेचर्स, इसके कौन कौन से नेचर्स हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे दी गई हैं। तो इसका GST का तो मैंने ओल एक चैप्टर आप लोगों को PDF में प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ना कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और GST किस में आएगा, इनडायरेक्ट में आएगा कि डायरेक्ट में आएगा। फीचर्स, कंसेप्ट क्या हैं, ये भी है आप लोगों को। स्कोप्स क्या हैं इसके, तो ये सारी थ्योरी चैप्टर ही है टैक्स में, तो आप लोग को ये पढ़ना होगा। आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोगों को इसका वीडियो भी बना दूंगी कि GST क्या होता है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगी। तब तक आप लोग इसको खुद से ट्राई करिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं, पर ट्राई मारने में क्या जाता है। आप लोग एक बार चेक जरूर करना कि क्या होता है, पूरा एक चैप्टर मैंने आप लोगों को ये प्रोवाइड किया है, पूरा PDF। ओके, इस PDF का लिंक आपको मिल जाएगा सिलेबस और पैटर्न के साथ में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, जो भी टैक्स स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने टैक्स ऑप्शनल लिया है, तो उनके लिए ये टैक्स का है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, इफ़ यू लाइक आवर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये पेपर पैटर्न और सिलेबस को जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर जाओ, वहाँ पर आपको डाउनलोड करना है इस PDF को, और अब समझना है कि क्या आपका पैटर्न आया, क्या सिलेबस है। ओके, तो ये है आप लोगों के लिए न्यू थिंग्स। जिन्होंने बुक बाय नहीं की है उनके लिए ये बुक से ही मैंने लिया है, मनन प्रकाशन की बुक से मैंने लिया है। तो आप लोग देख सकते हो सिलेबस क्या है आप लोगों का। ओके, तो ये रहा आप लोगों का सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया रहेगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए, जो भी टैक्स स्टूडेंट है उनके लिए ये सिलेबस है और पेपर पैटर्न्स है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।